गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फोर क्लास एट्थ आपका चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय तो फर्स्ट वी डिस्कस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल एंड टू बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं बैक्टीरिया है जैसे हमारे ब्रेड है उसके फंगी मतलब फूई वगैरह लग जाते हैं वो हमारे ब्रेड को क्या कर देगी खराब कोमन कोल्ड है मलेरिया है टाइफाइड है तो ये सब हमारे लिए क्या है हार्मफुल ऐसे ही कुछ यूजफुल भी हैं जैसे मेकिंग ब्रेड है ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म केक्स एल्कोहल और मेडिसिन के अंदर जिनको हम क्या बोलेंगे मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब हम डिस्कस करेंगे मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पांच ग्रुप में क्लासिफाई कर रखा है फर्स्ट है बैक्टीरिया सेकंड वायरस थर्ड प्रोटोजोआ फोर्थ फंगी एंड फिफ्थ है एलगी नोट डालिए इनके सिंगुलर फॉर्म्स क्या क्या हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वायरसेस इज वायरस सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ इज प्रोटोजोन सिंगुलर फॉर्म ऑफ फंगी इज फंगस सिंगुलर फॉर्म ऑफ एल्ग इज एल्गा तो ये इनकी क्या थी सिंगुलर फॉर्म पांच जो हमने ग्रुप में डिस्कस किए थे बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगी एंड एल्गा अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे फर्स्ट है बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड जिनको हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेल वॉल्स बट डू नोट हैव एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स एवरीवेयर इन एयर है शोल है एंड वाटर इनके सब में क्या मिलेगा हमें बैक्टीरिया टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया आर जैसे लैक्टोबैसिलस है एंड राइजोम बैक्टीरिया सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज काज बाई बैक्टीरिया कौन कौन सी जो बीमारी है बैक्टीरिया से होती हैं टीबी है वॉपिंग कॉफ एंड फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा ये सब बीमारी किससे होती हैं बैक्टीरिया से नेक्स्ट हमारा है वायरस सेकेंड है वायरस वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन डिवलोप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरसेस आर द एजेंट ऑफ डिजीज कौन कौन से ह्यूमन हो डिजीज होते हैं इससे कॉमन कोल्ड है इन्फ्लुएंजा है पोलियो और चिकन पॉक्स एक्सेट्रा नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल अमीबा है पैरामाइसियम और इससे कौन कौन सी बीमारी हैं डाइस्टेरिया एंड मलेरिया आर काज बाई प्रोटोजोआ था हमारा एलगई एल्गाई इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स। एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एलगाई एंड क्लेमेडोमाइंस एक्सेट्रा नेक्स्ट है आपका फंगी फंगी आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नोट क्लोरोफिल एंड डू नोट फोटोसिंथेसिस फंगी में ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल है यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम एक्सेट्रा आल फंगी एक्सेप्ट यीस्ट आर मेड ऑफ फाइन थ्रेड्स कार्ड हाइपो और ह्यूमन डिजीज कौन कौन से होते हैं इसके कारण रिंग बोम एंड एथलीट्स फूट एक्सेट्रा नेक्स्ट हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहा है तो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरी वेयर इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स या एयर में भी होते हैं वाटर में भी होते हैं और सोयल में भी अर्जेंट होते हैं तो एवरीवेयर मतलब सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट होते हैं और एवरी इन्वायरमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग आइस कोल्ड वाटर्स, सोल्टी वाटर एक्सेट्रा अब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे इनका यूज कर रहे हैं हम तो फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूटिलाइज इन द मेकिंग ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम किस किस में यूज कर रहे हैं कर्ड ब्रेड एंड केक सेकेंड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड थर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन कार्ड एंटीबायोटिक्स नेक्स्ट हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोयल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस तो जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं नेक्स्ट हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन अप द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स डेड एनिमल्स एंड यूजफुल सिंपल सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाकर भी इन्वायरमेंट को साफ करते हैं इसलिए ये सब हमारे क्या, लिए क्या थे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब नोट डालिए जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ इज कॉल्ड फर्मेंटेशन कोई आपसे पूछे फर्मेंटेशन क्या है तो क्या कहोगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुगर इंटू एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन नेक्स्ट है जो लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया है वो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इंटू जो कर्ड है हमें दही मिलता है मिल्क से वो कैसे मिलता है लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क मिल्क से हमें क्या मिलेगा कर्ड नेक्स्ट है आपका यस्ट जो है इज यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड ब्रेड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम यस्ट अब है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको हम कल कर डिस्कस करेंगे थैंक यू Have a nice day.